आज मैं आपसे वादा करती हूँ, जो भी मैं आपसे कहने जा रही हूँ वो बिल्कुल 100% सच है, उसमें कुछ भी झूठ नहीं है, कोई चीज़ फेक नहीं है, सारी फ़ोटोज़ रियल है, ओरिजिनल है। और अगर आप कोई फ़ोटो में मुझे मेकअप में देखते हो तो वो थोड़ी सी बीबी क्रीम और लिपस्टिक है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने अपने आप को चेंज किया, कैसे मैंने अपने आप को हील किया बहुत कम टाइम में, विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। मैं किसी रेकी हीलर के पास नहीं गई, मैंने कोई क्रिस्टल्स यूज़ नहीं करे, मैंने कोई मेडिसिंस नहीं ली। बट यहाँ पे मैं एक लीगल डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगी, आप में से जो लोग भी मेडिकल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, सीवियर मेडिकल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और मेडिकेशन पे हैं, दवाइयों पे हैं, तो प्लीज़ अपनी दवाई इस वीडियो के बेसिस पे ना छोड़े। बिकॉज आज जो मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बताने वाली हूँ ना, वो आपको इंटरनल हील करेगी। आपको सिर्फ आपकी बॉडी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, आपको एक रुपया नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ा सा टाइम। Hey guys, this is Sonam Jain and you are watching Shyama, Your Spirit Coach. जो पहले श्यामा चैनल था, अब वो श्यामा योर स्पिरिट कोच हो गया है। ये मैंने टाइटल क्यों चेंज किया है, इसके पीछे की वजह मैं कभी और किसी वीडियो में बताऊंगी। बट आज की जो वीडियो है उसके पीछे बनाने का मेरा इंटेंशन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये है, आप में से बहुत सारे लोग जो मेरे पास आते हैं कंसल्टेशन लेने के लिए, वो मुझसे पूछते हैं कि हीलिंग कैसे करनी चाहिए, हीलिंग के क्या मेथड्स है, सिर्फ हीलर के पास ही जाना चाहिए। तो आज की वीडियो उन सारे लोगों की जो एक्चुअली खुद को अंदर से हील करना चाहते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ। तो बात उस टाइम की, जब मेरा बच्चा 1 साल का था और मेरी टैरो वीडियोस चलने लगी थी और साथ में कोरोना भी चलने लगा था। तो जब कोरोना चला था तो कोई भी मेड या कोई भी हेल्पर हम नहीं रख पा रहे थे, और उस टाइम पे मैं घर का काम भी करती थी और मैं टैरो का काम भी करती थी। मेरे पास सपोर्ट था, मेरे हस्बैंड और मेरे इन-लॉज घर पे थे, बट वो थोड़े टाइम के लिए थे। जो फर्स्ट लॉकडाउन था ना, वो थोड़े टाइम का था। उसके बाद मेरे हस्बैंड भी जॉब पे जाने लग गए और थोड़े टाइम के बाद मेरे इन-लॉज भी अपने होम टाउन चले गए। तो सिर्फ मैं और मेरा बच्चा रहता था पूरे दिन भर। तो मैं अपने बच्चे को भी संभालती थी और घर का जो सारा हाउस होल्ड का जो काम होता है ना, वो सब भी मैं करती थी। और जब शाम को मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ जाते थे तब मैं टैरो का काम करती थी, वीडियोस बनाती थी, कंसल्टेशन लेती थी। उस टाइम पे इनिशियली मैं दो तीन कंसल्टेशन साथ में ले लेती थी। और क्योंकि मैं टैरो में इनिशियली स्टार्ट ही किया था, मतलब मुझे करीब 5-6 महीने हुए होंगे, तो उस टाइम पे मुझे ये नहीं पता था कि टैरो जब हम करते हैं तो एक तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी जो होती है ना, वो आपके अंदर से निकलती है और आप खाली होते जाते हो। जो भी लोग टैरो करते हैं वो सब लोग इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि टैरो करने के बाद वो बहुत थकावा महसूस करते हैं। तो जब हम टैरो करते हैं हमें बहुत सारा रेस्ट की ज़रूरत होती है, बहुत सारा पानी पीने की ज़रूरत होती है, बहुत काम शांत रहने की ज़रूरत होती है। ये जो चीज़ें थी ना, ये चीज़ें मुझे बहुत टाइम बाद पता पड़ी। और क्योंकि मैंने टैरो में नया नया हाथ जमाया था ना, और मैं आई वॉज़ गुड एट इट, मुझे ऐसा लगता था मैं बहुत अच्छी हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आता था। टैरो जब मैं इनिशियली स्टार्ट किया तब मेरी पिक्चर कुछ ऐसी दिखती थी, फिर धीरे 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 मेरी जो फेस है, मेरा फेस जो है वो धीरे 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 ऐसा दिखने लगा। और आप मेरे फेस को देखे ना, ये इमेजिन कर सकते हो कि जैसे एक गुब्बारे में से हवा छीन लेते ना, बिल्कुल वैसा होने लग गया था, पिचक सा गया था। और धीरे 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 और ख़राब हो गया। और एक टाइम ऐसा आया जब मुझे टैरो से गाइडेंस मिली कि नाउ आई हैव टू स्टॉप माई रीडिंग और मुझे अपने आप को हील करना है। क्योंकि जब भी मैं टैरो करती थी तो टैरो के टाइम पे आई यूज़ माय हार्ट चक्रा, मैं अपने हार्ट चक्रा की एनर्जी से लोगों से कनेक्ट होती थी और मैं उनको अपनी गाइडेंस दे पाती थी। तो मेरा जो हार्ट चक्रा था वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड हो गया था, आप ये समझ लीजिए पूरी तरह से ब्लॉक्ड हो चुका था। मैंने अपनी ऑरा की स्कैनिंग भी कराई थी और ऑरा की स्कैनिंग में मेरा हार्ट चक्रा फुल्ली ब्लॉक्ड आया। तो उसके बाद आई हैव टू स्टॉप, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने स्टॉप कर दिया। बट उस टाइम मैं थोड़ा थका हुआ महसूस करती थी और स्ट्रेस्ड आउट महसूस करती थी, बट मुझे पता नहीं पड़ता था वो हो क्या रहा है। तो धीरे धीरे जब मैंने स्टॉप कर दिया अपना टैरो का काम और मैं बेसिक काम करने लगी अपने घर के, तो मेरी जो थकान है ना वो मुझे दिखने लगी। अरे यार, मेरा फेस, मेरी थकान, मुझे सब पता पड़ने लगी।
और ज्यादा ज्यादा दिखने लगी क्योंकि मैंने अपना टैरो का काम बंद कर दिया और रिकॉग्नाइज करने लगी कि अच्छा ये चीजें खराब हो गई मेरे अंदर, मेरी बॉडी के अंदर। और एक टाइम ऐसा आया कि मेरे लिए बिल्कुल इमरजेंसी सिचुएशन हो गई क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम तक खड़े नहीं रह पाती थी। मेरी बॉडी का हर एक एक पार्ट, हर एक एक सेल थका हुआ, टायर्ड, एग्जॉस्टेड। लोग सोचते थे कि पता नहीं इसको क्या हो गया, थोड़े से काम में थक जाती है। एंड एक दिन पता नहीं अचानक ही मुझे एक गाइडेंस आई कि आई शुड टेक रेस्ट, मुझे अब रेस्ट लेना होगा। तो उस टाइम पे क्योंकि कोरोना बहुत लंबा चला था, सेकेंड वेव का एंडिंग जो फेस है ना, तब तक और थर्ड वेव तक भी, मैं कह सकती हूँ थर्ड वेव तक भी हमने कोई हेल्पर नहीं लगाया था। तो मैं अपनी पूरे दिन को, हर पूरे दिन को 12 से 14 घंटे जो होते हैं उसको एक एक घंटे के रूप में देखने लगी, 1 आवर। और मैं उस 1 आवर को मैं बांटने लगी, मतलब मैं 45 मिनट्स काम करती और 15 मिनट में पूरा रेस्ट लेती, मैं बैठ जाती। जैसा भी मैं थकी हुई थी, जैसे भी मैं परेशान थी, मैं बस ना बैठ जाती अपने सोफे पे, अपने काउच पे और कुछ भी नहीं करती। मुझे नहीं पता था कि ये कोई एक तरह की प्रैक्टिस है या ये कोई तरह का मेडिटेशन है, या उस टाइम पे मैं मेडिटेशन करती थी पर बहुत कम, मेडिटेशन के नाम पे मैं समझ लीजिए 0। तो जो प्रैक्टिस अब मैं आपको बताने वाली हूँ ना, एक्चुअली ये प्रैक्टिस ऐसी प्रैक्टिस है जिसने, जो मुझे पता है कि जिसके अंदर इतना पोटेंशियल है, अगर ये लोगों को पता पड़ जाए, लोग इसे डेडिकेटली फॉलो करें, इस प्रोसेस को फॉलो करें, तो वो अपने आप को कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। बट उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा। तो देखिए अब करना क्या है, अब आपको हर एक घंटे में, अगर आप घर पे हो तो हर एक घंटे में, और अगर आप बाहर हो जॉब में हो हर, तो आप 2-3 घंटे में भी निकाल सकते हो। बट सबसे बेस्ट रहता है कि आप हर एक घंटे में अपने लिए कुछ मिनट निकालो, चाहे वो 3 से 4 मिनट ही क्यों ना हो, 3 से 4 मिनट से लेके 15 मिनट, 20 मिनट भी, अगर आपके पास इतना टाइम है, आपका रूटीन अलाउ करता है, तो आप निकाल सकते हो। और उस टाइम पे अपनी बॉडी को छोड़ देना है। बॉडी को छोड़ना मतलब लिटरली अपने हर एक एक पार्ट को छोड़ देना है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बिल्कुल बैक स्ट्रेट करके बैठना है या, अच्छा एक और चीज़, लेटना नहीं है। अगर आप लेटोगे ना तो आप उस सोने वाली पोजिशन में चले जाओगे, लेटना नहीं है, आप बस बैठ जाओ। और जैसी आपकी बॉडी अलाउ कर रही है ना, आपका जैसा, अगर हाथ में दर्द हो रहा है, कहीं पे टेंशन है, कहीं पे एंजाइटी है, कहीं पे स्ट्रेस है, सब कुछ छोड़ दो। बिल्कुल अपनी बॉडी को जितना आप खुला छोड़ सकते हो, जितना आप ढीला कर सकते हो, उतना ढीला आप अपनी बॉडी को छोड़ दो और बिल्कुल स्टिल हो जाओ। मतलब लाइक 10 to 15 मिनट्स में कह सकती हूँ कि जैसे इंसान मरने की एक्टिंग नहीं करता, बस मरने की एक्टिंग करो। तो जो इंसान मर जाता है वो क्या सोचता है, नहीं सोचता। अगर आपकी लाइफ में प्रायोरिटी आपकी हीलिंग है, आपकी हेल्थ है, तो ये प्रोसेस आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि जब आप प्रायोरिटी बना लेते हो, मेरी लाइफ में तो ये इमरजेंसी सिचुएशन थी, मुझे तो अभी करना ही था, तो उस टाइम पे जब मैं करती थी, मेरे दिमाग में कोई थॉट नहीं आता था। बट अगर आपकी प्रायोरिटी, आप बहुत इंपॉर्टेंस देते हो अपनी हेल्थ को, अपनी हीलिंग को, अपने मेंटल हेल्थ को, इमोशनल हेल्थ को बहुत इंपॉर्टेंस देते हो, आप चाहते हो आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आए, वो तेज आए, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। ओके, सो आपको क्या करना है, बिल्कुल ढीला, अपने फेस को ढीला, अपने हाथ को ढीला, अपने बॉडी को ढीला, हर एक चीज़ को ढीला। और धीरे, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ आप अपनी ब्रेथ पे फोकस करो, अपनी बैक स्ट्रेट रखो, जैसा आप क्या बैठना चाहते हो ना, बस वैसे बैठ जाओ। और हर एक घंटे में, 2 घंटे में आप इसे रेगुलर करो, जब भी आपको टाइम मिलता ना आप इसे करो। धीरे 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 आपका फोकस खुद ब्रेथ पे जाने लगेगा, खुद सांसों के पे जाने लगेगा। और जब सांसों में जाने लगेगा ना, आपको अंदर से अच्छा फील होने लगेगा, बिना किसी बाहरी हेल्प के आपको खुद से अच्छा फील होने लगेगा। ये वो स्टेज है जब, अगर आप मान लीजिए आपको अच्छा फील होना स्टार्ट हो गया है ना, आप ये समझ लीजिए आपका ये प्रोसेस काम कर रहा है। बट इससे इस स्टेज पे आने में टाइम लगता है, क्योंकि इस स्टेज में आने में धीरे 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 आया होगा, मतलब आप समझ लीजिए 4 से 5 दिन भी आप डेडिकेटली करोगे ना, तो फिर आ जाएगी वो प्रोसेस, वो स्टेज आ जाएगी। फिर आप खुद के साथ इंजॉय करोगे, आपको इंजॉयमेंट के लिए कोई बाहरी चीज़ें देखनी नहीं पड़ेंगी,
बिल्कुल स्टिल होना है, बिल्कुल स्टिल, ओके, कोई भी एक चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये कर सकते हो, अगर आप एक मिनट से भी स्टार्ट करोगे ना, तो आप इसके फायदे धीरे धीरे देखोगे। अगर आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, मेंटली फिजिकली बहुत प्रॉब्लम्स है, तो आप इसे 4-5 मिनट भी कर सकते हो, 10 मिनट भी कर सकते हो, बट आप इसे ट्राई ज़रूर करना। ये जितनी बार भी करोगे ना, आपकी हीलिंग अंदर से होती जाएगी। मैं कह सकती हूँ कि जो आपके अंदर के ईश्वर बैठे ना, वो आपको आपकी बॉडी को हील करेंगे। और उसके बाद की जो ये प्रोसेस जब मैंने किया था ना, तब मुझे विद इन 20 टू 21 डेज में भी मुझे ना रिजल्ट दिखने लगे थे। और अब मैं आपको वो पिक्चर दिखाती हूँ, पिक्चर विदाउट एनी मेकअप की है, और आपको समझ में आएगा कि उस वक्त मेरे फेस पे क्या ग्लो आ रहा था। और ये मेरी फाइनली बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर है, जब मैं ये प्रोसेस करने लगी, उससे पहले मेरा चेहरा कैसा था। और क्योंकि चेहरा हेल्थ का आईना होता है, तो उस टाइम मेरी हेल्थ बहुत ख़राब थी। और आफ्टर प्रोसेस जो ये पिक्चर है, वो मेरी पिक्चर कैसी है, और उसमें आप मेरे फेस से देख रहे हो कि मेरी हेल्थ भी अच्छी थी। सो गाइज, ये था मेरा स्पेशल प्रोसेस जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।